ये व्यर्थ नहीं है। भगवान के नाम दिया गया एक तन भी प्यारा, भगवान उसको मन बना करके लौटाते हैं। किसान खेत के अंदर एक बीज डालता है और वो खेत उस एक के बदले में 50-100 हजार बीज बना करके उसको देता है। अगर तुमने मेरे परमात्मा के नाम इन 13 सालों में जो समय दिया है, तो क्या ये समय तुम्हारा व्यर्थ जाएगा? इसका बदला मेरा परमात्मा जरूर 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 चुकाएगा। ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ना त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नैवेद्यनादि पापं। ये मत सोचना कि परमात्मा देख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं, वो सब देख रहा है, हर जगह देख रहा है। ये भी मत सोचना कि 5 साल कन्हैया के नाम बैठे हैं बस इसी समय में देख रहा है, ऐसा भी मत सोचना है। पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा के अंदर अपने भक्तों को सुना रहे थे कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है, जहां आग होती है वहां धुआं होता है। पंत्यानी अंदर सुन रही थी इस बात को, बोली पंडित जी कह रहे हैं जहां आग होती है वही धुआं होता है, आग के बिना धुआं नहीं होता। आप लोग भी इस बात को मानते हो क्या? पंत्यानी ने बोला कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं आपको दूंगी। ऊपर से बंद कर लिया जहां पंडित जी कथा कर रहे थे कि जहां अग्नि होती है वहीं धुआं होता है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। तो पंत्यानी बोल रही पंडित जी आप गलत बोल रहे हो, अग्नि के बिना भी धुआं होता है। उसने मटका खोल दिया और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकल गया। ये मत सोचना कि 5 साल कन्हैया के नाम किसी कथा में बैठे हैं तो ही परमात्मा हमको देख रहा है। मेरा परमात्मा कथा के अलावा भी तुम्हें देखता है।